आग दे विच शहीद होए सन मेजर आशीष ढोंचक। पानीपत दे विच मेजर आशीष नूं अंतिम विदाई दित्ती गई है ते हर किसी की अख है जिहड़ी कि नम हुई है। सो पानीपत दे विच मेजर आशीष दा अंतिम संस्कार किया गया, हर किसी की अख नम हुई है। इस बहादुर की शहादत ते हर किसी दा जिहड़ा कि मन भावुक होया, बेहद गमगीन माहौल दे विच परिवार वालों के पासों उन्हां नूं अंतिम विदाई दित्ती गई है, अंतिम संस्कार किया गया, बेहद ही सन्मानपूर्वक उन्हां नूं सलामी दित्ती गई है ते उस तों बाद सतिकार वजों उन्हां दा जिहड़ा कि अंतिम संस्कार किया गया, बेहद ही काफ़ी इकट्ठ जिहड़ा कि तुसीं देख सकते हो कि उन्हां नूं अंतिम विदाई देण दे लई पहुंचा होया उत्थे। सो वीर सपूत शहादत नूं जिहड़ा कि देश की रक्षा करते हुए देश की शहादत पा गए। अनंतनाग दे विच शहीद होए सन मेजर आशीष ढोंचक। आशीष को नम आंखों के साथ विदाई दी गई है और हजारों की संख्या में न केवल हरियाणा से बल्कि अलग अलग हिस्सों से लोग यहां पर पहुंचे और उन्हें आखिरी सैल्यूट कर यही कहा कि ऐसा बेटा हर माँ जन्मे और जिस प्रकार से देश की आन बान शान की खातिर जिस प्रकार से अपने प्राणों की आहुति दी, ये तस्वीर देखिए जिस प्रकार से अब उन्हें अंतिम विदाई दी जा चुकी है और जिस प्रकार से मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, सेना के लोग यहाँ पर जो है मौके पर मौजूद रहे और जहाँ परिवार के लोग मौजूद रहे, जहाँ माँ और उसकी पत्नी जो है मौके पर है और जिस प्रकार से राजकीय बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरह से विधिवत रूप से जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया है और अब जो है बेटा जो है यादों में रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो जन सैलाब है जो देख सकता है कि किस प्रकार से जो लोग जो हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे और अब आज के बाद जो है इस बहन के हाथ पर कलाई बांधने वाला आशीष जो है दोबारा नज़र नहीं आएगा। लेकिन जिस प्रकार से बात करें तो अब जो है माँ की आंखों में नम आंखों के साथ माँ यही कह रही है कि ऐसे बेटे पर गर्व है और ऐसा बेटा जो है देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की बलि देकर गया है और आज ही नहीं बल्कि देश दुनिया में हमेशा के लिए आशीष को याद रखा जाएगा और जिस प्रकार से यह शहादत